तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये जरा देख लेते हैं ना। ये 16 ब्लॉक ऑफ मास कितना है, 2 kg, कहां पे रखा हुआ बोलो, रेस्ट पे रखा इंक्लाइन। हुआ, हाँ, इंक्लाइन प्लेन पे। इंक्लिनेशन कितना है, 37 डिग्रीज 37 डिग्रीज। और इसको किधर खींच रहे हैं, ऊपर। ऊपर खींच रहे हैं ना, कितने फोर्स से, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। किधर, पैरेलल टू द इंक्लाइन, हाँ सर। ये देखा। अच्छा तो एक तो mg sin θ हो गया, mg sin θ कितना लगेगा बता जरा, 20 sin 37, जी का वैल्यू 10 लेना। एक हो गया mg cos θ और एक हो जाएगा नॉर्मल, मानते हो बोलो। हाँ सर। अच्छा फोर्स कितनी देर के लिए लगा, 1 सेकेंड। सेकेंड के लिए, ठीक है ना। ओके तो फोर्स लगा 1 सेकेंड के लिए, हमको शो करना है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल। डज नॉट एक्सीड का मतलब क्या है, अब एक चीज तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं दे रखी है। आगे बात समझ क्या कह रहा हूं मैं, हाँ सर। यानी कि अगर फ्रिक्शन होगा तो किधर लगेगा फ्रिक्शन, नीचे लगेगा। ये कितना दर्द है, वो तो 20 sin 37 कितना होता है, 20 × 3/5 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। तो नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन कितना है बताओ, अलोंग द इंक्लाइन 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बाय मास कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर आगे बात समझ बोलो। मीटर अच्छा तो अब बोला है कि मैक्सिमम वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 40 जूल, ये है ना, ये प्रूव करना है बोलो। सर। यानी कि अब विलॉस, अब मैक्सिमम वर्क कब होगा, जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ सर। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब ट्रेवल करेगा, जब हमारा जो ये जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, नहीं समझे। हाँ सर। यानी कि हमको इस वाले केस के लिए निकालना है व्हेन फ्रिक्शन इज 0, क्लियर, कोई परेशानी, नहीं। क्योंकि अगर फ्रिक्शन है तो वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगली बात समझ, तो हाँ कम सर। डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो वर्क डन कम होगा, तो हमको इस केस के लिए निकालना, पहले तो डिस्टेंस निकालो कितना, हाफ 80 स्क्वायर, यू 0 था इनिशियली रेस्ट पे था, एक्सेलरेशन कितना बताओ 4, टाइम का स्क्वायर बोलो 1, कितना हो गया 2, वर्क हाँ डन इज सर। इक्वल टू फोर्स इनटू 2 मीटर। हाँ डिस्प्लेसमेंट। आ गया अपना आंसर बोलो, क्या आएगा वर्क बोलो, सर। 40 न्यूटन। 40 जूल, 40 जूल, ठीक है, सॉरी। आया समझ में, हाँ सर। लिखना है इसको बोलो। लिया सर। लिख लिया, कैसे इतनी जल्दी कैसे लिख लिया, अच्छा सर, मैंने आधा सॉल्व किया था पहले से। हाँ चलो इसमें किसी को कुछ भी परेशानी तो मुझे बताओ बोलो रे, चेलवा चमुंडा सब, आया समझ में, अरे बोलो ना, सर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है फिर, पार्ट बी में क्या निकालना है, पार्ट बी में निकालना है कि हमको वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल, मतलब इसी केस के लिए। अब जब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स अगर 40 जूल है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बताओ, अरे बोलो ना, जीरो। फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है, तो हाँ सर। एमजी के दो कंपोनेंट्स है, ठीक है, एक तो ये 20 न्यूटन है, ये छोड़ दो, एमजी के दो कंपोनेंट्स है, mg sin θ और mg cos θ, तो ये हमने निकाला था 12 और ये हो जाएगा 16। हाँ जब सर। ये मूव कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन, तो जब ब्लॉक जब अलोंग द इंक्लाइन मूव कर रहा है तो
16 वाला और 12 वाला इन दोनों में से एक जो फोर्स होगा वो जीरो वर्क करेगा, कौन सा? वो जीरो हो जाएगा। mg के दो कंपोनेंट्स हो ना, एक 12 हुआ एक 16 हुआ, mg sin थीटा और mg cos थीटा, राइट? हां, तो इनमें से एक जो है 12 और 16 में से एक जो है कंपोनेंट वो जीरो वर्क करेगा, कौन सा कंपोनेंट? अंशुमन बताओ कौन सा कंपोनेंट? सर 16 का। क्यों? क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है वो अलोंग द इंक्लाइन हो रहा है। तो इसमें तो फिर 16 वाला जीरो क्यों होगा वर्क? हेलो, अरे क्योंकि 90 डिग्री पे है ना। नहीं, तुमको हर बार 90 डिग्री वाले में प्रॉब्लम में दिक्कत होती है क्या? ये किधर है, ये डिस्प्लेसमेंट किधर है अलोंग द इंक्लाइन, और ये mg cos थीटा किधर लग रहा है? परपेंडिकुलर। तो कितना एंगल हो गया डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में? 90। ये तुमको नहीं आता है? आता है सर। फिर तो इसका तो जीरो हो गया, बचा कौन सा? 12। तो 12 वाले का वर्क निकालना बहुत ही आसान है। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था कितना आया था? 2 मीटर 2 आया था, लेकिन ये ऊपर था डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? तो क्या वर्क हो जाएगा? -24 जूल हो जाएगा क्या? बोलो। हाँ सर। जल्दी लिखो, सर उन्होंने वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछा है। मतलब वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? वेट ही होता है ना। हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर, आया समझ? हाँ सर। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर पार्ट सी निकालना है। पार्ट सी तो बहुत ही आसान है, दो ही फोर्सेस जो वर्क कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं बताओ जो वर्क कर रही हैं? एक तो mg वर्क कर रहा है, उसमें भी mg का एक कंपोनेंट वर्क कर रहा है, mg sin थीटा वर्क कर रहा है mg, फिर ये हमारा वाला फोर्स और नॉर्मल। अंशुमन जल्दी से बता दो नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा? जब ये ब्लॉक मूव कर रहा है अलोंग द इंक्लाइन तो नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा? सर जीरो होगा ना। क्यों होगा? सर परपेंडिकुलर। गुड आद्या जी, और नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा क्या? हाँ सर। क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ठीक है? आई बस समझ। तो सिर्फ यही फोर्सेस ने वर्क किया, ए में वर्क हुआ बी में वर्क हुआ, तो नेट कितना आया? 40 - 24 कितना? 16। बोलो। हाँ सर। 16 इज इक्वल टू डेल्टा के ई, मतलब के ई फाइनल माइनस इनिशियल के ई। इनिशियल के ई क्या था? जीरो। मिल गया के ई फाइनल? बोलो। सिंपल। हाँ सर।